हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा दा बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जावा की अपकमिंग यजडी बाइक्स के बारे में। यजडी अभी इंडिया में टोटल 3 बाइक्स लॉन्च करने वाली है। अभी हाल में ही इन बाइक्स का टीजर भी लॉन्च हो चुका है। काफ़ी भाई कन्फ्यूज हैं कि आखिर कौन कौन सी बाइक अभी यजडी की तरफ से लॉन्च हो रही है। इस वीडियो में मेनली मैं वही बात करने वाला हूँ कि फिलहाल यजडी की तरफ से आपको कौन कौन सी बाइक लॉन्च होने वाली है, इनमें क्या फीचर्स होंगे और क्या प्राइसेस रहने वाला है। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप इन तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये सारी बाइक्स 13 जनवरी 2022 को लॉन्च हो रही है। पहला मॉडल यजडी रोड किंग 350 है। इसमें आपको काफी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है जिससे कि बाइक लुकिंग वाइज काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। 350 सेगमेंट के किसी भी बाइक में फर्स्ट टाइम ड्यूअल एग्जॉस्ट ऑफर किया जाने वाला है, जो कि इस बाइक के सेल को रेज करने के लिए एक मेजर फैक्टर माना जा सकता है। इसकी टेस्टिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट शूट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। यजडी रोड किंग को टोटली नए प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है। इसकी सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है। इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर किया जाएगा। कहीं ना कहीं आज के रेट में ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है, तो कंपनी को अगर इस सेगमेंट में कम्पिटिट करना है तो जरूर बाइक में काफी कुछ शानदार फीचर्स, एक परफेक्ट लुक और रिलायबल प्राइस टैग में ही इसको लॉन्च करना पड़ेगा। यही रीजन है कंपनी 350 सीसी में स्क्रैम्बलर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है। इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बाइक के वाइब्रेशन को भी काफी हद तक कम किया जाएगा और हैंडलिंग भी इसमें आपको बेटर ऑफर किया जाएगा। 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग होंडा की CB350 RS के आसपास ही देखने को मिल सकता है। बाकी आप 12 जनवरी तक वेट कर लो, इसकी लाइव लॉन्चिंग आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहीं दूसरा मॉडल यजडी क्रूजर 350 है। बाइक लुकिंग वाइज काफी दमदार और एक परफेक्ट क्रूजर बाइक होने वाली है। इसमें आपको काफी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। फ्रंट सेक्शन में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलेगी, रियर सेक्शन में आपको हैलोजन टेल लैम्प मिलेगा। इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारी लाइटिंग सेटअप हैलोजन का ही देखने को मिलने वाला है। कंपनी की तरफ से यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स भी ऑफर किया जाएगा। प्राइस कम होने की वजह से इसमें आपको कोई भी उत्ता खासा प्रीमियम फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलेगा, वहीं रियर में ट्विन स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी नॉर्मल ही ऑफर हो रही है। इसके अलावा इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो उसमें कोई खासा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारी चीजें एनालॉग ही देखने को मिलेगी। इसमें आपको और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिल सकता है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इसका भी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग होंडा की CB350 RS के आसपास ही देखने को मिल सकती है। बाकी आप इस बाइक के लिए भी 12 जनवरी तक वेट कर लें, इसकी भी लॉन्चिंग हमारे चैनल पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगी लाइव वो भी। वहीं तीसरा मॉडल यजडी एडवेंचर 350 है। ये एक जावा की तरफ से टूरिंग बाइक होने वाली है। कहीं ना कहीं इसका लुक हिमालयन से मिलता जुलता देखने को मिल रहा है, बट इसमें आपको कई सारी और फीचर्स भी देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको राउंड शेप की LED हेडलाइट विद DRLs, अट्रैक्टिव विंडशील्ड, रियर व्हील में ट्विन डिस्क, एग्रेसिव हैंडल बार और बड़े व्हील बेस देखने को मिलेगा। बाइक का फ्रेमिंग क्वालिटी आपको नया और बेटर क्वालिटी का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में USD फॉक्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा। बाइक का डिजाइन काफी एग्रेसिव रहने वाला है। इसमें आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी दी जाएगी। बाइक के फ्रंट सेक्शन में देखें तो इसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग के साथ DRLs देखने को मिलेगा। रियर में आपको राउंड शेप की फुल्ली LED लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। इस बाइक में डिजिटल नेविगेशन सिस्टम विथ मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है। 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इसकी प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग भी होंडा किसी भी 350 RS के आसपास ही देखने को मिलेगी। बाकी आप इसके लिए भी 12 जनवरी तक का वेट कर लो, इसकी लाइव लॉन्चिंग भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तीनों बाइक्स के प्राइस टैग में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी, इनकी प्राइस एक जैसा ही थोड़ा सा अप और डाउन रहने वाला है। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी और क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।